Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत आपके साथ, और आज हम बात करेंगे अपने 11th में करंट अफेयर्स की। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, आज आपको 12:30 पर भी आना है। 12:30 पर एक इंटरव्यू है जहां पर हम सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कंप्यूटर जी आपके लिए यहां पर लगाएंगे। मोटिवेशनल कोट हमेशा एक, ये जो मोटिवेशनल कोट है इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने धीरे चल रहे हो, आप जितना भी चल रहे हो आप अच्छे से चल रहे हो और आप चलते रहिए, आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुके, अगर आपने गिव अप किया तो आपकी सारी मेहनत ख़राब चली जाएगी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी लाइफ का एक गोल है, हमें अचीव करना ही है। हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगे हैं लोगों के, और हमें ये प्रूव करना है कब तक हम दूसरों के लिए कैपिंग करेंगे और कब तक हम दूसरों को देख कर अपने आप में ईर्ष्या करेंगे कि यार ये कैसे हो गया। ये ऐसे होता है क्योंकि कोई रुकता नहीं है, लोगों के अंदर एक विश्वास होता है कि वो सिलेक्शन लेंगे। आप भी विश्वास करिए, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंडेक्सेस की और आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो नेशनल अफेयर्स से लेके एक्स्ट्रा हाईलाइट तक आपको हम पढ़ाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। और शुरुआत करते हैं आज के अपने नेशनल अफेयर्स के न्यूज़ से। और पहला जो पॉइंट है आपको यहाँ पर, एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो हैदराबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें नंबर पर आ गया है। तो हम उसकी बात करेंगे, आइए, अच्छी बात है, प्राउड का विषय हमारे लिए। आइए देखिए, With the eighth position of the Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad has been ranked among the top 10 best airport in the world. तो आठवें नंबर पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है जो कि हैदराबाद में है। और अगर आगे बात करें तो टॉप पे कौन है? हाँ, ये सर्वे एयर हेल्प नाम की कंपनी ने कराया था, एयर हेल्प। और अगर हम बात करते हैं पहले पे कौन है, तो कतर का एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले नंबर पे है, जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकंड नंबर पे है, और ग्रीस का एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे नंबर पे है। यानी हमने आपको टॉप 3 एयरपोर्ट के नाम भी बता दिए और हैदराबाद की रैंक भी बता दी जो 8th नंबर पे है। ये सर्वे किसने कराया? तो एयर हेल्प नाम की कंपनी ने कराया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ आपको हम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया की बात कर लेंगे। एक पूरी लिस्ट हमने आपको दी है एयरपोर्ट की, कल मैंने आपका एक सेशन भी किया था, हालांकि कल मैंने आपसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी पूछे थे, लेकिन आपके एग्जाम में अक्सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही पूछे जाते हैं। तो उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो कि आपको लर्न कर लेना है आज का आज, ठीक है? तो ये एयरपोर्ट की पूरी लिस्ट आपको हम दे रहे थे। अब एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात भी कर लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा, ठीक। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है बी एस भुल्लर का अपॉइंटमेंट नया है, ध्यान देना, BS भुल्लर, तो ये भी आपको याद करना है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं रुबीना अली, तो रुबीना अली का नाम भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। BS भुल्लर का नाम भूलना नहीं बेटा, नया अपॉइंटमेंट है, आपके एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको तेलंगाना, अब चूंकि हैदराबाद तेलंगाना में, तो तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, और लेजिस्लेचर यहाँ पे बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? बाइकैमरल का मतलब यहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधानसभा में 119 सीट्स हैं और विधान परिषद में 43 सीट हैं। अच्छा, अब लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की सीट है 17 और राज्यसभा की सीट है 7, तो ये भी आपको लर्न करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमी में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूज की हम बात करेंगे। यहां पर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे, राजकोषीय घाटा। देखिए ये क्या, ये बजट का पॉइंट है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब देखो, हम लोग भी अपने लाइफ में बनाते हैं बजट, लेकिन हमारे घरों में जो बजट बनता है या जो अपने लिए हम बजट बनाते हैं, हम पहले अपनी इनकम को देख लेते हैं, फिर अपने एक्सपेंडिचर को डिसाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब देश के लिए बनाती है बजट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले अपने एक्सपेंडिचर डिसाइड कर लेती है कि हमें यहां यहां इतने इतने रुपए खर्च करने हैं, और बाद में अपनी इनकम को इवेल्युएट करती है। और हमेशा इनकम कम आती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा ही रह जाते हैं। तो ये जो लॉस होता है इसे हम डेफिसिट बोलते हैं, घाटा बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट पेश करते ही एक टारगेट सेट करती है कि घाटा तो हमें होना है, लेकिन कितना डेफिसिट होना है वो समझ लीजिए। तो भारत सरकार ने 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया था 3.4%, लेकिन जो पूरा फाइनेंशियल ईयर बीता तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट घाटा जो आया है वो 4.52% है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम के लिए। आइए बात करते, देखिए
Finance Ministry said that the country's fiscal deficit at 8.51 trillion at the end of the February 2019 has touched 4.52% of the GDP. Yani, हमारी जीडीपी का 4.52%, मतलब अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए आई है तो हमें घाटा हुआ है उसका 4.52%. ठीक है, क्या बोला गया देखिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पेग्ड इट फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर 2018-19 एट 3.4%, फॉर विच वॉज रिवाइज अपवर्ड फ्रॉम द अर्लियर 3.3%. 3.4% टारगेट रखा गया था, बाद में गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज करके 3.3 कर दिया था, लेकिन एग्जैक्टली में 4.52% का लॉस हुआ. क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2019-20 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा. कमेंट करें फास्ट, मैं आपके कमेंट चेक करूंगा यहां पर. चलिए आगे बढ़ते हैं. और यहां पे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखिए, फिस्कल डेफिसिट को ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा. फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला यहां पे लिखा है, बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग प्लस अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. या आपको और सिंपल फॉर्मूला चाहिए तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. ये भी एक फॉर्मूला शायद आपको दिख नहीं रहा होगा. देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी फॉर्मूला है. तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. मैंने आपसे एक पूछा कि 2019-20 के लिए कितना, यहाँ पे सबके आंसर गलत आ रहे हैं, एक बार चेक करिएगा बेटा, काफी ये इंपॉर्टेंट न्यूज है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं रिसेंट बिजनेस और इकोनॉमी न्यूज की रिविजन की. तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत पे कंपनी ने यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया है. भारत पे ने यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया, आपको ये पता है. दूसरे न्यूज की बात करें तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि एयरटेल ने और ह्यूक्स कम्युनिकेशन ने अपने सैटेलाइट को मर्ज कर दिया है ताकि बेटर कनेक्शन हम पब्लिक को दे पाए. यह भी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तीसरी न्यूज की बात करें तो आपको यह पढ़ाया गया कि एटी मनी ने भी कुछ दिन पहले यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू किया था. और अगर आगे बढ़ें तो बिजनेस इकोनॉमी में आज के हम नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे. और ये न्यूज जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काफी घातक न्यूज है, बिकॉज ऐसा होते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी का दर्जा खो दिया है और टीसीएस नंबर एक पर आ गई है. आइए बात करते हैं. देखिए तो मॉर्गन स्टैनली एक बैंक है, एक रेटिंग एजेंसी है, बहुत बड़ा इनका वर्क है. तो मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड RIL, तो मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है. मतलब मॉर्गन स्टैनली कहना यह है कि आगे आने वाले टाइम पर रिलायंस कंपनी को लॉस हो सकता है. देखिए, मॉर्गन स्टैनली हैज डाउनग्रेडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉकमैन शेयर टू इक्वल वेट इनका अपना एक पैरामीटर होता है, लेंडिंग टू 3.4% फॉल इन द कंपनी शेयर टू 1255. मतलब कि रिलायंस कंपनी के शेयर में मॉर्गन स्टैनली ने 3.41% का डाउनग्रेड किया है, और यानी कि रिलायंस कंपनी का शेयर अब 1255 रुपए हो गया. इसका मतलब क्या होता है? कंपनीज अपने एजेंट हायर करती हैं अपने शेयर बिकवाने के लिए. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं एक ब्रोकर हूं, आपने मुझसे कहा बेचने के लिए. आप प्रॉपर्टी का दाम भले बोल रहे हैं 1,00,000 रुपए, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, आप प्रॉपर्टी का दाम तो केवल 80,000 रुपए, मैंने 80,000 में बेचना शुरू कर दिया, जबकि आप 1,00,000 बोल रहे हो. तो बस वही सेम चीज है कि इसने रिलायंस कंपनी के शेयर को 3.41% डाउनग्रेड कर दिया और जिससे वैल्यू हो गई 1255. अब ये मॉर्गन स्टैनली इतना बड़ा फर्म है ना कि ये जो बोलेगा तो उनकी बात माननी पड़ती है लोगों को. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, विद द फॉल द कंपनी हैज अगेन लॉस्ट द टैग ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूड फर्म टू टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. यानी कि TCS पहले नंबर पर आ जाएगी और RIL दूसरे नंबर पर आ जाएगी. तो इतना ही आपको पढ़ना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. तो मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है. और अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली को 1935 में फाउंड किया गया था. अगर आपको बिजनेस इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, वाकई में इंटरेस्ट है, तो आप यूट्यूब पर एक सीरीज देख सकते हैं, अ मैन हु मेड अमेरिका. आपको इसमें मॉर्गन स्टैनली और मतलब सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी अमेरिका को डेवलप किए हैं, अमेरिका वहां पर क्यों पहुंचा है, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बड़ी अच्छी सीरीज है, मैं देखता हूं, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. चलिए आगे बढ़ते हैं. हेडक्वार्टर की बात करें, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है. जेम्स पी गोरमैन जो है वो चेयरमैन और सीईओ है मॉर्गन स्टैनली फर्म के. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर TCS के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. तो TCS के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन. ये पॉइंट मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके MD CEO के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है. आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया है.
इम्पोर्ट हो सकता है, लेकिन उसका एक तरीका है। अगर आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इम्पोर्ट करते हैं तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसकी। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोहिबिटेड इम्पोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गुड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी कि विदाउट मतलब कि पहले क्या था, पहले हम लोग चाइना से, भूटान से, पाकिस्तान से सस्ते माल खरीदते थे और बेचते थे, लेकिन अब क्या है कि अगर आप खरीदते हैं तो आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इन सामान को इंपोर्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम चाइना की इकोनॉमी को रोक रहे हैं इंडिया में और अपने कस्टमर को एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देने की बात कर रहे हैं। कब तक हम अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नीचे करके रहेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गुड्स रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2012 इंपोर्ट ऑफ दिस गुड्स इज अलाउड थ्रू द रजिस्ट्रेशन विदाउट द BIS और ऑन स्पेसिफिक एग्जम्पशन लेटर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर आप BIS से रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से एक लेटर लिखवाना पड़ेगा, एक कहते नहीं है वो कि आपको फेवर लेना पड़ेगा उनका, तो ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल ये सब पॉइंट केवल समझने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, तो हमने आपको एक लिस्ट दी है जहां पर आपको बताते हैं कि जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटीज मार्केट का सेबी है, इंश्योरेंस का IRDAI है, पेंशन का PFRDA है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टैटिक पॉइंट है, फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, फाइनेंसिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल तो सिडबी, तो ये सब आपको लर्न करना है बेटा, ठीक है? मैंने सिडबी का और सेबी की MCQs कराई हूं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो TCS के बारे में मैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुका था। तो TCS हमारे देश की सबसे वैल्यूएबल फर्म बन गई है RIL के शेयर डाउनग्रेडेड होते ही। TCS तो ठीक है, TCS नंबर एक पर है, RIL नंबर दो पर है, नंबर तीन पे कौन है? नंबर तीन पे HDFC है। आइए पूरी लिस्ट आपको हम देते हैं यहां पर। चलिए, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्लेम द स्टेटस ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूड फर्म बाय मार्केट वैल्यूएशन सरपासिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये क्यों हुआ ये आपको मालूम है, ठीक है? अच्छा, TCS इज द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूड फर्म फॉलोड बाय RIL, देन HDFC, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन ITC। मतलब चौथे नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है और पांचवें पे ITC है। तो ये भी आपको पांचों लिस्ट हमने दे दी है, यानी टॉप फाइव वैल्यूएबल फर्म्स ऑफ इंडिया, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, श्यामला गोपीनाथ इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और आदित्य पुरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है? हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, नवीन परांजे इसके CEO है। हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी थी और यूनिलीवर एक ब्रिटेन की कंपनी है, FMCG कंपनी, तो इनका मर्जर हो गया था और कंपनी का नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में काम करता है इस तरह से, ठीक है? मेन कंपनी यूनिलीवर है, ठीक है? आगे बढ़े ITC की बात करें तो ITC का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके की पीपल हैं YC देवेश्वर चेयरमैन है और संजीव पुरी इसके MD हैं। तो ये भी नाम हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमी में एक और न्यूज़ की बात करते हैं। एक बात समझिएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, पूरे 18-19 की रिपोर्ट आ रही हैं, ये रिपोर्ट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो 2018-19 में 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में बैंकों ने जितना लोन बांटा, तो अगर 17-18 से हम कंपैरिजन करेंगे तो 18-19 में बैंकों का लोन 13.2% बढ़ा। मतलब 2017-18 में अगर बैंकों ने मिलकर 100 रुपए का लोन बांटा तो 18-19 में 113 रुपए 20 पैसे का लोन बांटा। इस तरह आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। देखिए यहां पर बैंक क्रेडिट ग्रू बाय 13.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एज कंपेयर टू 10.3% इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब 17-18 में बैंकों ने मिलकर जितना लोन बांटा था, तो 16-17 से कंपैरिजन करेंगे तो 10.3% ग्रोथ थी, लेकिन अगर 17-18 से 18-19 को कंपैरिजन करेंगे तो 13.2% ग्रोथ थी यहां पर, ठीक है? अच्छा, और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दिखी वो सर्विस सेक्टर और रिटेल सेक्टर में ही मिली, सर्विस सेक्टर में और रिटेल सेक्टर में। आइए बात करते हैं इसकी भी। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स है, मे भी थोड़ा सा परेशानी हो आपको, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक्सप्लेन आपको अच्छे से करूं ताकि क्लियर हो जाए सारी बातें। चलिए
देखिए तो क्या बोला गया है, तो क्रेडिट ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर टिल द मिडिल ऑफ फेब इज 23.7%, यानी कि सर्विस सेक्टर में 23.7% की ग्रोथ देखने को मिली और रिटेल सेक्टर में 16.7% ग्रोथ मिली, इंडस्ट्री सेक्टर में 5.6% ग्रोथ देखने को मिली और इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे सारे सेक्टर का तो कितना हो गया, 13.2% की ग्रोथ मिली हमें देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आपको हम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बैंकिंग कमिटीज, एक प्रॉपर स्टैटिक पॉइंट आपको दे रहे हैं जो आपको लर्न करना चाहिए अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए पूरा न्यूज आपके सामने यहां पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल, अंशुल बोल रहे हैं कि यस सब थोड़ा कम घुसता है माइंड में, कोई बात नहीं अंशुल, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जिस दिन तुम पैसा कमाना शुरू कर दोगे अपने आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। मुझे भी पहले इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि पैसे कमाने से मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, आई हैव डन MBA और फाइनेंस मेरा टॉपिक था तो मुझे इसलिए थोड़ा सा क्लियर होता है। मेरे गुरु जी लोगों ने मुझे बड़े अच्छे से पढ़ाया तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। आइए, सिंगापुर रिपोर्ट फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स। तो एक वायरस है मंकी, मतलब एक मंकी पॉक्स एक बीमारी है और मंकी पॉक्स को 1980 में खत्म कर दिया गया था लेकिन फिर से इसका मामला सामने आ गया है। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सिंगापुर हैज रिपोर्टेड इट फर्स्ट केस ऑफ द रेयर मंकी पॉक्स वायरस सिंगापुर ने रिपोर्ट किया है और पहला केस है सिंगापुर में। मंकी पॉक्स अ वायरस सिमिलर टू द ह्यूमन स्मॉल पॉक्स विच वॉज इराडिक्टेड इन 1980, तो 1980 में से खत्म कर दिया गया था लेकिन फिर से यह सामने आ गया है। बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में ही मंकी पॉक्स पाया जाता था लेकिन इसके मामले US में, इसराइल में भी पाए गए थे पहले। सिंगापुर में पहली बार ये मामला सामने आया है। तो मंकी पॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है, प्राइम मिनिस्टर ली हिसिंग लुंग है और डॉलर करेंसी यहाँ पर चलती है सिंगापुरियन डॉलर। और अगर आगे बात करें तो इसराइल का नाम सामने आया था, तो इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी शेकेल है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने आपको एक लिस्ट दिया, डिजीज कॉस्ट बाई माइक्रोग्रेनिज, मतलब यहाँ पर हम फंगी की बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। तो डिजीज का नाम आपके सामने है, किस एजेंट के थ्रू ये होता है और ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन इसमें अफेक्ट होता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। तो ये लिस्ट हमारे सामने है, SSC वाले बच्चे हो गए, रेलवे वाले बच्चे हो गए वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इंश्योरेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। देख लीजिए यहाँ पर, डिसीज कॉज बाई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीज होते हैं वो देख लीजिए यहाँ पर, डिसीज कॉज बाई वायरस, तो वायरस से कौन से रोग होते हैं, और डिसीज कॉज बाई प्रोटोजोआ वो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड डिसीज कॉज बाई फंगी तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो वर्ल्ड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन स्टार्ट टेस्ट रन, तो जापान में दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू हो चुका है। इसका नाम क्या होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा और इसकी स्पीड क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए तो जापान इज टेस्टिंग द फास्टेस्ट एवर शिंकानसेन बुलेट ट्रेन कैपेबल ऑफ स्पीड ऑफ एज मच एज 400 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये ट्रेन का नाम है शिंकानसेन बुलेट ट्रेन और इसकी स्पीड होगी 400 किलोमीटर, और जापान में इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। मुद्दे की बात यह है कि ये 2030 में शुरू हो जाएगी, अभी हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है और देखा जाए तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 2017 में, 2022 में इसको शुरू किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं या मैं जिनसे बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार 17 में शुरू हो रहा है, 2022 में क्यों, इतना लंबा क्यों, तो देखिए ना इतना लंबा क्यों, जापान के पास हमसे बेटर टेक्नोलॉजी होते हुए वो 2013 तक ख़त्म करेंगे इसे। तो समझिए ये एक साथ नहीं होता, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इसमें टाइम लगता है, ठीक। चलिए जापान की बात करें, कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, एम्परर आकिहितो है, नए बने आपको पता ही है और इनके युग को रीवा युग कहा जा रहा है, क्राउन प्रिंस एम्परर नारुहितो बन गए हैं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर जी ने आपको दी है, और प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हैं, तो एम्परर जो है वो नारुहितो बन गए हैं और इनके युग को हम रीवा कह रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने क्या आएगी वो देखिए यहाँ पर, देखिए IRCTC, अब रेलवे की बात हुई है तो IRCTC के बारे में बात करें, तो IRCTC जो है ये रेलवे की सब्सिडरी है जो कि ऑनलाइन टिकट बुक करती है हमारे लिए, और IRCTC की टैगलाइन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, आपको ये पता ही है। इसके साथ साथ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, मैं आपको ये क्यों दे रहा हूँ क्योंकि इन दोनों कंपनी का अभी रेलवे जो है वो IPO लॉन्च करने वाली है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन याद कर लीजिएगा, इन दोनों कंपनी का IPO लॉन्च कर रही है रेलवे, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेल विकास निगम देख लीजिए
यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर इंडियन रेलवे के स्टैटिक पॉइंट हमने आपको दिए हैं. विनोद कुमार यादव क्या है, चेयरमैन है. मनोज सिन्हा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं. रंजन गोहेन भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे के, और पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं. और यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू इंडियन रेलवे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, पहले भी आपको दे चुके हैं. तो रेलवे के कुछ स्टैटिक पॉइंट की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात फिर से कर रहे हैं. और इंडिया और चाइना के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है. तो इंडिया कोशिश कर रहा है चाइना में अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने का. मैंने आपको एक दिन बताया था कि इंडिया और चाइना का ट्रेड बैलेंस तो बड़ा अच्छा है, लेकिन चाइना हम में एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है. यानी हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, और हमें यही चीज जो गैप है उसे खत्म करना है. तो इंडिया कंटिन्यूअस कोशिश कर रहा है चाइना में अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का. आइए देखिए यहां पर, इंडिया एंड चाइना साइंड अ प्रोटोकॉल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन चिलीज मील टू चाइना. यानी कि इंडिया ने चाइना के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया है जिसमें इंडिया के जो चिली मील्स है और वो चाइना को एक्सपोर्ट किए जाएंगे. देख लीजिए मिर्च की बात यहां पर हो रही है. और इट वॉज साइंड आफ्टर अ मीटिंग ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान. यानी अनूप वाधवान हमारे देश के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, और चाइना के वाइस मिनिस्टर ली गुओ. तो ली गुओ और हमारे अनूप वाधवान के बीच में मीटिंग हुई जहां पर यह प्रोटोकॉल साइन हुआ. तो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी का नाम आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, आगे देखिए. इंडिया हैज आइडेंटिफाइड एंड शेयर्ड विद चाइना अ लिस्ट ऑफ 380 प्रोडक्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इंडिया ने चाइना के साथ 380 प्रोडक्ट शेयर किए हैं. मतलब इंडिया इन प्रोडक्ट को चाइना में शेयर करना चाहता है, वो आप समझना होगा आपको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. साइंस और टेक्नोलॉजी में एक न्यूज लेकर आपके लिए आते हैं, जहां पर नासा टू क्रैश अ स्पेसक्राफ्ट इनटू एन एस्टेरॉयड इन 2022. देखो एस्टेरॉयड पे नहीं, एस्टेरॉयड का जो मून है उससे क्या होगा, उससे हमारा नासा एक स्पेसक्राफ्ट जो है यहां पर वो अटैक करेगा. ये न्यूज मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, याद करिए आप लोग. चलिए, इन अ फर्स्ट नासा विल लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट दैट विल कोलाइड विथ एन एस्टेरॉयड इन 2022 टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्लैनेटरी डिफेंस टेक्निक. तो देख लीजिए यहाँ पर, तो ये नासा ये काम करने जा रहा है 2022 में, ये टकराएगा और इससे हमारे अर्थ पे कोई खतरा नहीं होने वाला है. ये भी देख लीजिए आप लोग. ठीक है, चलिए नासा के बारे में बात कर ले. तो नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और जिम ब्रेंडस्टाइन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं. तो आपको ये पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है. आइए तो यहां पर रिवीजन की बात कर ले साइंस और टेक्नोलॉजी की. तो आपको मैंने बताया था कि ह्यूंडई इंडिया में जो अपनी कार लॉन्च करेगी, अब उसमें ब्लूलिंक कनेक्टिविटी होगी. और ब्लूलिंक कनेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि आपको आपकी वॉइस से आप अपनी कार को मतलब ऑपरेट कर सकते हैं. लाइक आपको विंडशील्ड ऑन ऑफ करना है या फिर आपको एसी ऑन ऑफ करना है. तो ये देखिए ब्लूलिंक की बात यहाँ पे कर रहे थे. और आपको बताइए यहाँ पर कि इंडिया ने एमिसेट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके साथ 28 अदर स्मॉलर सैटेलाइट ऑफ द इंटरनेशनल कस्टमर लॉन्च किए गए थे. ये भी शायद आपको याद होगा. आइए वापस आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में. एक न्यूज़ और आपको हम देते हैं, इंडियाज फर्स्ट मेगा साइंस एग्जीबिशन. इंडिया का पहला मेगा साइंस एग्जीबिशन कहां पर हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे. देखिए इंडियाज फर्स्ट मेगा साइंस एग्जीबिशन विज्ञान संगम वॉज इनॉग्रेटेड इन मुंबई. विज्ञान संगम मुंबई में हुआ, ये आपको याद रखना है. इट इज ऑर्गेनाइज बाई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम. तो तीन लोगों ने मिलकर इस इवेंट को होस्ट किया मुंबई में. तो विज्ञान संगम इसका नाम है. भारत का पहला मेगा साइंस एग्जीबिशन है, विज्ञान संगम मुंबई में हुआ, ये आपको लर्न करना है. ठीक है, आफ्टर मुंबई द एग्जीबिशन विल मूव टू बेंगलुरु फ्रॉम 7 जुलाई एंड ऑन टू कोलकाता एंड न्यू दिल्ली. मतलब मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता एंड दिल्ली, चार देश के महानगरों में ये बारी बारी से पार्ट होगा. ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं. तो आपको कल मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी पूरे वर्ल्ड के दूसरे नंबर के सबसे फॉलोअर लीडर बन गए हैं आफ्टर बराक ओबामा. डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी ने. ठीक है, और साइंस टेक में एक और आपको इन्फॉर्मेशन, आपको कल मैंने पढ़ाया था कि इंडिया ने एक MOU साइन किया है विथ ISE फूड जापान के साथ, जहां पर ISE फूड जापान इंडिया में दो पोल्ट्री फार्म को डेवलप करेगी, एक सूरत में और सिद्धिपीठ में. यह भी आपको मैंने पढ़ाया था. चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में. आइए एक न्यूज की बात और करते हैं. न्यू सिस्टम टू मॉनिटर राउडी शीटर्स. राउडी का मतलब क्या हो गया, राउडी का मतलब सोचते हैं आप लोग, राउडी शीटर का मतलब क्या हुआ, शीटर मतलब जो लोग नहीं खुरापात करते हैं, लड़ते झड़ते रहते हैं, गुंडे टाइप के लोग होते हैं, तो उनकी बात यहां पर हो रही है. आइए देखिए यहां पर, तो हैदराबाद पुलिस हैज लॉन्च अ न्यू मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन द एक्टिविटी ऑफ राउडी शीटर्स एश्योरिंग इट्स सिटीजन ऑफ अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट. तो हैदराबाद एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च कर रहा है जिसमें राउडी शीटर्स को
ट्रैक किया जाएगा ताकि हैदराबाद के सिटीजन जो है वो सेफ और सिक्योर रहें. देखिए, द न्यू मॉनिटरिंग सिस्टम इज नोन एज राउडी शीटर्स मॉड्यूल विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन TSCOP मोबाइल एप्लीकेशन. तो इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है TSCOP, जहाँ पे राउडी शीटर्स के नाम पूरे इनका डेटाबेस दर्ज किया जाएगा और इन पर प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा इनको. तो TSCOP याद कर लेंगे हम लोग, राउडी शीटर्स मॉड्यूल याद कर लेंगे हम लोग, हैदराबाद पुलिस ये भी याद कर लेंगे हम लोग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम ऐप वेब लॉन्च इन 2019, उसकी न्यूज़ हमने आपको यहाँ पर दी है एक टेबुलर फॉर्म में आपके रिवीजन करने के लिए, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं. ये रहा सारा न्यूज़ आपके हमने. लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बैंकिंग एक्ट, तो कौन सा एक्ट किस ईयर में आया था. बेसिकली UPSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्ट के बारे में क्वेश्चन, तो हमने उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है. हालांकि आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप मना नहीं कर सकते हो कि हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मर्जर और एक्विजिशन की बात करते हैं. रिलायंस एक्वायर्स ब्रिटिश टॉय मेकर हैमलेस. तो रिलायंस कंपनी ने ब्रिटिश टॉय मेकर हैमलेस को एक्वायर कर लिया है. इंडियन कंपनी कॉन्टिन्यूस इंग्लैंड की कंपनी को एक्वायर करती जा रही है. कहीं ये बदला तो नहीं है हमारी गुलामी का. आइए, तो रिलायंस ब्रांड लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज विल एक्वायर हैमलेस ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड द ऑनर ऑफ ब्रिटिश टॉय ब्रांड हैमलेस. तो हैमलेस ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड को एक्वायर कर लिया रिलायंस कंपनी ने. देख लीजिए, इन इंडिया रिलायंस हैज द मास्टर फ्रेंचाइजीज ऑफ हैमलेस एंड प्रेजेंटली ऑपरेट 88 स्टोर अक्रॉस 29 सिटीज. तो राइट नाउ रिलायंस अभी फ्रेंचाइजी लिया हुआ था इसकी और रिलायंस अब इसे एक्वायर कर चुका है. तो ये देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन. चलिए, रिसेंट एक्विजिशन की बात कर ले हम लोग, तो अभी कौन कौन सी कंपनी के एक्विजिशन हुए हैं उसकी एक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट आपके सामने है आपके रिवीजन करने के लिए, आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो हरी मेनन अपॉइंटेड एज कंट्री डायरेक्टर, किसने ने अपॉइंट किया है उनकी बात कर लें. तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपॉइंट हरी मेनन एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया. हरी मेनन कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया और ये नचिकेत मोर को रिप्लेस करेंगे. नचिकेत मोर 3 साल से इस पोस्ट पे थे, रिप्लेस होंगे और हरी मेनन जो है ये बनेंगे कंट्री डायरेक्टर फॉर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया. ठीक है, तो ये न्यूज आपको मैंने MCQ में कराया हुआ है, शायद आपको याद हो. चलिए, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात कर लें, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका हेडक्वार्टर सिटल वॉशिंगटन में है. की पीपल सुसान डेसमोंट हेलमैन हैं इनके और बिल गेट्स फाउंडर थे इसके. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो रिसेंट अपॉइंटमेंट मैंने आपको पहले भी लिस्ट दी है, मैं आज भी आपको लिस्ट दे रहा हूँ रिविजन करने के लिए आपके. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेबोरा अपॉइंटेड CEO ऑफ रिकॉर्डिंग अकेडमी. डेबोरा रिकॉर्डिंग अकेडमी की CEO अपॉइंट हुई है. देखिए यहाँ पर, डेबोरा डुगन has created history by becoming the first woman to head Recording Academy. तो Recording Academy की ये पहली head बन गई है, डेबोरा डुगन आपके सामने नाम है. She has been appointed as Academy President and CEO and will replace Neil Portnow. तो नील पोर्टेव को ये replace करेंगे. इनका नाम है डेबोरा डुगन, याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए डिफेंस की बात करें. नेवी ज्वाइन एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी, मतलब क्या हुआ इसका देखिए यहाँ पर. तो INS कोलकाता एंड शक्ति कैरीड आउट ग्रुप सेल विद द नेवल शिप ऑफ जापान फिलीपींस एंड द US इन द साउथ चाइना सी. मतलब चीन पर प्रेशर डालने के लिए है. तो देख लीजिए यहाँ पर INS कोलकाता और INS शक्ति ने जापान फिलीपींस और US साथ चाइना सी में एक अभ्यास किया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. और रिसेंट नेवल डिफेंस एक्सरसाइज की बात कर लें, तो सहयोग की बात कर लें, सी विजिल की बात कर लें, एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज की बात कर लें, INVPN की बात कर लें, तो सारी न्यूज़ हमने आपको रिसेंट यहाँ पर दी हुई है. वरुण अभी चल रहा है 9.1, तो आपको यह भी पता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज़ नंबर 1 की बात करते हैं. एक्स्ट्रा हाईलाइट न्यूज़ नंबर 1, देखिए यहाँ पर 5वां यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, आइए इसके बारे में बात करने जा रहे हैं. देखिए यहाँ पर, द 5th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम May 6 to 12 में. तो 6 मई से लेकर 12 मई तक यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, 5वां, और ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है. और इस बार इसकी थीम क्या है, लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी इसकी थीम है, ये याद कर लीजिएगा. ये हमारी एक्स्ट्रा लाइट की न्यूज नंबर 1 थी आपके पास. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट न्यूज पे लेके जाते हैं. ये देखिए यहाँ पर न्यूज नंबर 2, इंडियन आर्मी टू कमेमोरेट 2019 एज ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन. तो भारतीय सेना ने 2019 को ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में घोषित किया है. इसका मतलब क्या हुआ देखिए, द इंडियन आर्मी इज कमेमोरेटिंग दिस ईयर एज द ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन.
and plans to reach out the next of kin of battle casualties, ex-servicemen and serving soldier to inform them of entitled financial benefit, welfare scheme and the help resolve pension related problem. तो मतलब इंडियन आर्मी ने कहा है कि ये साल हम ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन बनाएंगे. इसका मतलब ऐसे जो हमारे सैनिक हैं जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको कैजुअल्टी हो गई बैटल फील्ड में, या फिर जो एक्स सर्विस मैन है, तो वहाँ तक ये पहुँचेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. तो ये भी याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज नंबर 3. तो ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट कैरियर कंटास ओपन वर्ल्ड फर्स्ट जीरो वेस्ट फ्लाइट. तो ऑस्ट्रेलियाई उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की. इसका मतलब देखिए, द ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट कैरियर कंटास हैज ऑपरेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट जीरो वेस्ट कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम सिडनी टू एडिलेड. तो सिडनी से एडिलेड जो ये फ्लाइट चली, ये फर्स्ट जीरो वेस्ट कमर्शियल फ्लाइट थी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जितने भी आपके वेस्ट हैं उनको प्रॉपर रेस्क्यू किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा. ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग, न्यूज नंबर 3 की हम बात कर रहे थे. न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं. तो इंडिया रेटिंग ने यस बैंक की लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेटिंग्स को कम कर दिया है. आइए उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, इंडिया रेटिंग एक कंपनी है, हैज डाउनग्रेडेड द यस बैंक लॉन्ग टर्म रेटिंग टू INDAA-. तो INDAA- एक रेटिंग होती है जो यस बैंक की कर दी गई है. आपको इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा याद नहीं करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. न्यूज नंबर 5 की बात करते हैं. तो WHO पार्टनर्ड विथ IFBA टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट फ्रॉम फूड सप्लाई वर्ल्ड वाइड बाई 2023. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन collaborated with the International Food and Beverage Alliance to eliminate industrial produced trans fat from food supply worldwide by 2023. Trans fat, आपका मतलब जो जंक फूड हम खाते हैं उसमें trans fat होता है, और पूरे विश्व में कम से कम 500,000 मौत हर साल होती है इससे. तो WHO ने इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज एलियंस के साथ एग्रीमेंट किया है कि 2023 तक हम हर खाने से trans fat को ख़त्म कर देंगे, ताकि जो ये मौतें हैं वो रुक जाए. ठीक है, तो WHO और इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज एलियंस एंड 2023, ये 3 पॉइंट आपको लर्न करने हैं. आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 6 की बात करते हैं. एक बड़ी अच्छी खबर आई है. आइसलैंड के रिसर्चर ने एक ऐसा मेथड इन्वेंट किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इनको पत्थर में, रॉक में परिवर्तित कर देगी. ऐसा होता है लेकिन इसमें होने में कई मिलियंस ईयर लगते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि तुरंत इसे कार्बन डाइऑक्साइड को रॉक में तब्दील कर दिया जा रहा है. आइए देखें इसके बारे में. द 21st सेंचुरी एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट का मतलब होता है प्रॉपर जो केमिकल्स बनाते हैं, एल्केमिस्ट आर ट्रांसफॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू रॉक फॉर इंटरनिटी इन आइसलैंड इन वोल्केनो कंट्री. तो आपको बस ध्यान क्या देना है कि आइसलैंड के वैज्ञानिकों ने कारनामा किया है CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को रॉक में परिवर्तित करने का. इतना आपको लर्न करना है बस. ठीक है, चलिए न्यूज नंबर 7 की बात करते हैं. ये शख्स कौन है, इनके बारे में बात करें थोड़ा सा. देखिए, तो KS राधाकृष्णन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल CSAT. तो KS राधाकृष्णन को CSAT का मेंबर अपॉइंट किया गया है, और CSAT का हेडक्वार्टर लंदन में है. ये देख लीजिए, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग. आइए न्यूज नंबर 8 की बात करते हैं. तो डेंगू से अब डरने की जरूरत नहीं है, डेंगू की पहली वैक्सीन इन्वेंट कर ली गई है और US ने उस पर अप्रूवल भी दे दिया है. इसका नाम क्या होगा? इसका नाम डेंगवाक्सिया होगा. देखिए यहां पर, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द यूनाइटेड स्टेट हैज़ अप्रूव द फर्स्ट वैक्सीन नेम डेंगवाक्सिया फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू डिसीज, बट द सर्टेन कंडीशन दैट यूज डेंगू वैक्सीन ओनली इन पीपल हु हैव अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द डिसीज. लेकिन अभी क्या बोला गया कि इस वैक्सीन का यूज हम केवल उस पर ही कर सकते हैं जिनको पहले भी डेंगू हो चुका होगा. तो ये अभी एक कंडीशन है, लेकिन बाद में ये भी हट जाएगी. तो डेंगवाक्सिया नाम आपको याद रखना है. ठीक है, किसने अप्रूवल दिया? द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA. ठीक, चलिए न्यूज नंबर 9 की बात करते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक यहां पर पासा फेंक दिया है. माइक्रोसॉफ्ट ने एक इलेक्शन गार्ड नाम का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया है. मतलब जो ये बातें होती हैं कि EVM मशीन हैक हो सकती हैं, तो इलेक्शन गार्ड नाम का सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा उन कंट्रीज को, मतलब इंडिया में इसकी जरूरत है. देखिए यहां पर, तो माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नाडेला has announced the launch of Election Guard, a free open source software development kit to help nation to carry out secure and verifiable voting. मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर आपके जैसे
आप जब वोट करते हो तो आपका OTP आता है, OTP देखकर आप ये कंफर्म कर सकते हो कि हाँ वोट आप ही दे रहे हो पहली बार। दूसरी बात ये है कि ये वेरीफिएबल है, मतलब आप इसके रिजल्ट को किसी और से वेरीफाई कर सकते हो, इसमें इंटरनेट नहीं है तो उसे हैक नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ आप अपने वोट को ट्रैक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इलेक्शन गार्ड में है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, ये आपको लर्न करना है बस। न्यूज़ नंबर 10 की बात कर लें तो WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्ड न्यू दिल्ली। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हो रही है विकासशील देशों की, कहां पर होगी, दिल्ली में होगी, ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है। देखिए, अ WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज बीइंग होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली, देख लिया आप लोगों ने, और इसमें कौन कौन से देश होंगे, तो 16 डेवलपिंग कंट्री, मतलब कि 16 डेवलपिंग कंट्रीज एंड 6 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और ऐसे देश जो मतलब कि और कम विकसित हैं जो 6 हैं वो भी होंगे इसमें। तो नाम मैंने आपको दे दिया है, आपके एग्जाम में नाम पूछा नहीं जाएगा, आपके एग्जाम में 16, 6 और ये कहां पर हो रहा है, दिल्ली में, यही पूछा जाएगा, वैसे नाम आपके सामने यहां पर है, ठीक है। तो ये न्यूज़ हमारी हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MCQ की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए, तो व्हेन इज द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व, तो विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। आपको याद है ना कि कब तक इसे एलिमिनेट करना है इंडिया से, कुछ टारगेट की बात मैंने की थी कल, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, क्या इसका आंसर होगा, रॉकी रॉकी कमेंट में आपका पढ़ रहा हूं। एंड राइट आंसर इज एट्थ में इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इन May 2019, कल की न्यूज है और हमें इसका आंसर देना है, ये भी आपको पढ़ाया गया है, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको वास्तव में पसंद आ रहा है, तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक नहीं कर सकते हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एंड राइट आंसर इज राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। एक बात आपको मैं समझा दूं, जो लोग भी यहां पर स्टड बनते हैं कि इतना नहीं आता उतना नहीं आता, तो देखिए मैं आपको समझा दूं, आपको नहीं पढ़ना है बेटा, आप बेशक कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। मैं कहां कहता हूं, क्या मैं कोई चार्ज आपसे लेता हूं या मैंने आपसे कोई कमिटमेंट किया है, नहीं किया है, मेरा शौक है, मैं पढ़ाता हूं, मैं भी चाहूं तो आपको केवल 10 न्यूज़ दे सकता हूं, लेकिन मैं अब इस कंटेंट को बनाने में टाइम कितना लगता है वो आप सोच भी नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीरियस बच्चे हैं, मैंने एक प्रॉपर एक सर्वे कराया था, मैंने पूछा था, लेकिन मुझे उन बच्चों का ज़्यादा केयर है जो कि प्रॉपर मुझे कमेंट किए मेल किए कि नहीं सर यही होना चाहिए, देख लीजिए यही है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज ओलंपिया साइबर स्पेस कमिंग अप विथ अ 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रीनफील्ड IT पार्क ज्वाइंटली विथ US प्राइवेट इक्विटी फंड अपोलो ग्लोबल, क्या इसका आंसर होगा खुला मंच है, तब ये खुला मंच तो है, कौन सा पैसे मैं चार्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं अपनी सुबह की नींद खराब कर रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं, सब कर रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट बनाने में आपको आते हैं, पढ़िए, आप नहीं पढ़ना मत पढ़िए, इसमें क्या परेशानी की आपको समझ में नहीं आया, आपके पास आपको दिक्कत हो रही है, मत पढ़ो, चले जाओ कहीं और, है ना गुंडी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक्सपीरियंस पेरुवियन क्लाइंबर रिचर्ड हिडाल्गो वॉज फाउंड डेड ऑन विच पीक, ये आपसे पूछा गया है, तो पेरू के अनुभवी पर्वतारोही रिचर्ड हिडाल्गो को किस पीक पर, किस एवरेज, किस मतलब कि पीक पर इन्हें मृत पाया गया, ये आपसे पूछा गया, और आपको इसका आंसर देना है, आंसर दे क्या इसका आंसर होगा, हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, एंड द राइट आंसर इज माउंट मकालू, ऑप्शन नंबर 1, ये कल मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मैं कोशिश ये भी करता हूं कि जो मैं आपको नहीं पढ़ाया था वो MCQ के फॉर्म में आपको दे दूं कम से कम यहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो CBIC इज ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग ऑफ द रीजनल हेड ऑफ द कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इन विच सिटी इन May 2019, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, एंड राइट आंसर इज कोची, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, इंडिया एंड टर्की वोव्ड टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक रिलेशंस विद द एम ऑफ रीचिंग $10 billion बायलेटरल ट्रेड बाय विच ईयर, तो ये भी आपको कल मैंने पढ़ाया था, इसका आंसर सही आना चाहिए, व्हाट इज द आंसर गाइज, ठीक है आंसर सही आ रहे हैं सबके, आंसर की बात करते हैं, व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2020, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फिलिप्स इनोवेशन कैंपस इन बेंगलुरु इन May 2019, व्हाट इज द आंसर, एंड द राइट आंसर इज कलावती जीवी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बैद्यनाथ मिश्रा पास्ड अवे ही वॉज अ एन, तो ये क्या थे, ये आपसे पूछा गया, आपको ये पता है, ये हमारे देश के काफी फेमस
ये हमारे देश का फेमस इकोनॉमिस्ट थे. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. On which of the following industries of Iran has the Trump administration imposed sanction in May 2019? देखिए, मैंने आपसे बोला था कि ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी. आपको ये चार, मैंने आपको चार इंडस्ट्रीज़ बताई थी. हालांकि मैंने आपको यहाँ पर तीन ही इंडस्ट्री दी हैं और शायद उसमें से कोई गलत भी हो, तो उन चारों के नाम आपको लर्न होने चाहिए. चलिए, एंड द राइट आंसर इज ओनली 1 और 3. प्लास्टिक की बात नहीं थी, आयरन था, स्टील था, एल्यूमिनियम था और ब्रॉन्ज था, याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. प्लास्टिक नहीं था जी, प्लास्टिक नहीं था, ऑल ऑफ द अबव. प्लास्टिक नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन चूजन बाई फेसबुक एज द सेंटर फॉर द ग्लोबल रोल आउट ऑफ व्हाट्सएप पे? वॉट इज द आंसर? एंड राइट आंसर इज लंडन. लंडन इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज पास्ड अ स्वीपिंग एंटी फेक न्यूज बिल इन मे 2019? व्हाट इज द आंसर? दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? सिंगापुर. सिंगापुर इज राइट आंसर. और हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहां पर आ चुका है. देखिए यहां पर, तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि इन विच स्टेट हैज द आउटब्रेक ऑफ फॉल आर्मी वॉर्म अफेक्टेड एटलीस्ट 5,636 फार्मिंग फैमिलीज इन ओवर 200 विलेज ऑफ द स्टेट इन मे 2019? यानी मई में किस राज्य में 200 से अधिक गाँव में फॉल आर्मी वॉर्म का प्रकोप कम से कम 5,636 किसान परिवारों पर हुआ है? आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम. मिजोरम इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है. वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू विल अंडरटेक अ 3-day ऑफिशियल ट्रिप टू विच कंट्री फ्रॉम 9 May 2019? तो ये कहाँ पर गए थे, आपको ये आपसे पूछा गया. एंड द राइट आंसर इज वियतनाम. ऑप्शन नंबर 3, वियतनाम इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following bought share of Mindtree worth about 368 crore through open market transaction in May 2019? तो ये भी आपको पढ़ाया गया, क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज लार्सन एंड टर्बो. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ रेडिश ब्राउन पिट वाइपर, अ वेनम्स स्नेक विथ अ यूनिक हीट सेंसिंग सिस्टम फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन विच स्टेट? ये आपसे पूछा गया, मतलब कि एक पिट वाइपर नाम का सांप की नई प्रजाति पाई गई है और ये किस स्टेट में पाई गई, ये आपसे पूछा गया. एंड द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन नंबर 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वेयर कन्फर्ड विथ डीलिट डिग्री बाय द रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी इन कोलकाता इन मे 2019? वॉट इज द आंसर? And the right answer is all are correct. Option number 5 is right answer. Okay, 17 question. The sea phase of the bilateral naval exercise Varun 9.1 between India and which country begin on 8 May? तो आपको ये पता, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फ्रांस होगा. ऑप्शन नंबर 3. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बस आ रहा है, ये देखिए. The first microprocessor which are conceptualized, designed, developed and manufactured in India under Made in India initiative is? तो आपको मैंने बताया था कि हमारे देश का पहला माइक्रोप्रोसेसर बन गया है, क्या इसका नाम है, ये आपको बताना है. यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं. एंड द राइट आंसर इज AGIT. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थैलेसमिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाई एबनॉर्मल, मतलब इसका जो इसका थैलेसमिया का जो इफेक्ट होता है वो कहाँ पर होता है? थायराइड पे होता है, वाइट ब्लड सेल्स पे होता है, इंसुलिन पे होता है या हीमोग्लोबिन पे होता है? ये आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हीमोग्लोबिन. ऑप्शन नंबर 2. ओके, लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन. Which ministry held Chintan Baithak session for stakeholder in renewable energy industry? ये news मुझसे miss हो गई थी, तो मैंने इसको MCQ के form में आपको बता दिया, इतना याद कर लीजिएगा. ठीक है, IIT Mumbai.
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE. ठीक है, चिंतन बैठक. ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन. 12:30 पर भी आपको आना है. 12:30 पर आके कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि कैसे ड्यूरिंग प्रेशर, कैसे आफ्टर मैरिज, कैसे हमारे जब सिलेक्शंस कई बार नहीं होते हैं फाइनल आकर, तो हमें क्या क्या मुसीबत फेस करनी पड़ती है, और हम क्वांट की, इंग्लिश की, जीए की, रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे. तो गरिमा मिश्रा हमारे साथ होंगी 12:30 पर, और इनसे एक इंटरव्यूज की बात हम करेंगे. थैंक यू सो मच गाइस. अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, उतनी मेहनत करिए जितनी आपने कभी नहीं की थी. आपको ये दिखाना है दुनिया को कब तक हमें लूजर बनना है, हमें कभी ना कभी रॉकस्टार बन के ऊपर आना है, आगे आना, मांगे भी, ये हमारा प्रॉमिस है. तो हम ये आज अपने से प्रॉमिस करते हैं कि कल से ज़्यादा मेहनत हम आज करेंगे, और ये मेहनत हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते जाएंगे. थैंक यू सो मच गाइज. अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए. थैंक यू सो मच.